इफ गिविंग सिक्स टू सेवन ईयर्स इन अ करियर यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी नाउ सो यू हैव टू टेक अ स्विच सो वट आर द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स वी शुड सी ट विद नॉट ओनली इमोशनली कि हाँ अब तो मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे तो छोड़ना पड़ेगा बट आर द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स वी शुड सी इन दैट कि हाँ ठीक है कि ये आस्पेक्ट्स देख लूँगी या ये चीज़ें देख लूंगी तो मैं स्विच कर सकती हूँ बट टेकिंग द फैक्ट दैट यू हैव गिवन सो मच टाइम सो मच एफर्ट सो मच मनी इन दैट वन थिंग सो वट आर द आस्पेक्ट्स वी शुड कंसिडर अभी आई थिंक आपके स्टैंड पॉइंट से तो ये बहुत अर्ली हो जाएगा ये कहना बिकॉज अभी तो आपने अपना करियर एक्चुअल में शुरू भी नहीं किया यू आर इन द लास्ट ईयर राइट आप अभी लास्ट ईयर में हो बट आफ्टर ट्वेल्व मतलब इट्स माई ईयर इन दिस सी जर्नी सो इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक कि नहीं मुझे तो सी ए में मजा नहीं आ रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो विल बी आई गेस टू लेट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके माइंड में थॉट आता है ना ये सिर्फ आपके माइंड में नहीं आता ये माइंड में आता है किसके माइंड hmm. में आता है सबके माइंड में आता है

वो आपने करके देखा है प्रैक्टिकली इंटर्नशिप में yes. तो हो सकता है उसमें इतना कोई फन नहीं है mm -hmm. जैसे फन होता है एक अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना ये ये वो राइट mm -hmm. right? exactly. अगर आपको ऑप्शन मिले कि जॉब करके पैसा मिलेगा या फिर जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है क्या है वैसे? Badminton. Badminton? Badminton? वैसे, कि एक है आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है बैठ करके hmm. कुछ नहीं करना है दिन में तीन चार घंटे बुक्स पढ़नी है yes. और आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना कि आपको एक जॉब करके मिलेगा आई वुड लव टू टू डू डू दैट यू रीडिंग रीडिंग बुक्स राइट और फिर आप जॉब नहीं करोगे नहीं। तो अब क्या हुआ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया एक तरफ है जो आपको वो काम करके मिल रहा है और ये अकेले आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दुनिया में सबका कॉन्फ्लिक्ट है, आप कह सकते हो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में खुश है। कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए खेल के जैसा होता है यानी वॉट देखी और वहां पर उनको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलती है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि हाँ। तो कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए ना सिर्फ बुक्स पढ़ने से तो पैसा आएगा नहीं नहीं आएगा बट सोचो आपको कोई बुक्स पढ़ने के पैसे देने लग जाए तो मैं पढ़ू और उतने ही या उससे ज्यादा जितने आपको जॉब करके मिलते तब आप क्या करते तो बुक्स पढ़ते तो बुक्स पढ़ते तो को छोड़ देते हैं शायद हाँ क्यों उसके बाद भी शायद क्यों हाँ बिकॉज इट्स नॉट आई बी डिप्लोमैटिकली करेक्ट आगे जाकर <laughs> आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी है और करनी है so तो इंटरव्यू like आप, में है। आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं आई लव <laughs> no, so no, तो जो है सो so है ये अकेले आपका नहीं है ये सबके साथ है वो क्या है कि एक है एक काम हम करना चाहते हैं एक है जो हमको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द और बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ प्रेशर या बिकॉज ऑफ कि भाई हम इतना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इतना टाइम है। इतना पैसा इतना पता नहीं कितनी रातें आपने लगाई होंगी पढ़ाई करने में और कितने अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में

हो सकता है कि वॉट यू एक्चुअली लव डूइंग विच यू जस्ट सेड रीडिंग बुक्स नहीं नहीं दैट वॉज अ हॉबी बट वट आई वॉन्ट टू डू इफ आई ड्रॉप इवेंट मैनेजमेंट आई जस्ट लव प्लानिंग थिंग्स फॉर अदर्स दैट इज प्लानिंग अ पार्टी प्लानिंग वट एवर इट इज दैट इज वट आई वॉन्ट टू डू बट आई एम नॉट श्योर दैट विल आई बी सक्सेसफुल इन दैट और नॉट और ये जो इवेंट मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो ये भी अभी आपने प्रैक्टिकली किया नहीं है

मैं अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो okay. मेरे फैमिली में है फ्रेंड्स में है और अभी बिकॉज ऑफ कोविड हुआ क्या कि उनमें से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई बिकॉज अभी ग्राउंड पे कोई पेट हो ही नहीं रहे हैं जो थे वो ऑनलाइन ऑनलाइन में तो में में शिफ्ट हो गए तो उनको एक्चुअल किसी इवेंट मैनेजर की जरूरत ही नहीं होती तो हुआ क्या कि वो सब लोगों ने अपना करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो जिस करियर में अभी आप फिलहाल जाने की सोच रहे हो तो स्विच कर रहे ऑनलाइन सही इसके जो ग्राउंड रियालिटी होती है वो उससे बहुत अलग होती है जो रियालिटी आपके माइंड में होती है बट अगर हम ये अज्यूम करें कि अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। hmm. you like, you like तो यहाँ से एक बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है वो क्या है कि बुक्स पढ़ करके वहां से समझ करके hmm. फिर आप अपना लिख भी सकते हो और सेल्फ पब्लिश कर सकते हो hmm. आजकल तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ आई थिंक एनी बडी फॉर दैट मैटर जिसको उसके बारे में पता नहीं है hmm. जैसे अमेजॉन पे एक डायरेक्ट पब्लिशिंग का ऑप्शन है oh. कि आप यहीं बैठे बैठे यहां तो नहीं अपने घर पे <laughs> बैठे बैठे विद इन फाइव मिनट्स आप अपनी बुक की मेनोस्क्रिप्ट डालोगे okay. और आप ग्लोबली उसको विद इन फाइव मिनट्स पब्लिश कर सकते हो विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स आपकी बुक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो जाएगी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल

कौन रोक रहा है अब ये काम कैसे करेगा आपको सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है क्योंकि तो आप अकेले नहीं हो लाखों लोग अपलोड करते हैं ना अपनी ई बुक्स तो अब उसमें आपकी ही बुक क्यों सेल होगी उस पर आपको ही क्यों रॉयल्टी आएगी उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे वहाँ से पैसा कमाते हैं मुश्किल नहीं है जो आपने किया है चार साल या पाँच साल जितने भी लगा करके उससे हजार गुना आसान है <laughs> लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दो दिन में ही वो काम हो जाएगा हाँ It will take take some time. Time. हफ्ता दस दिन लगेगा आपको सीखने में हुँ. कि कैसे होता है वो लोग जिनको सक्सेस मिली है से। तो वो लोगों से अगर आप सीखोगे हुँ. तो हो सकता है कुछ आपको टिप्स मिलें कुछ ट्रिक्स मिलें और उसको सीख करके जो भी बुक्स आज तक आपने पढ़ी हैं उनको यूज कर सकते उसको अपने पर्सपेक्टिव से देख करके एक अलग एंगल दे करके लिख करके इफ यू कैन कम आउट विद वैल्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल जो कि वहां पर बैठे हैं और वो देखते रहते हैं कुछ नया आ रहा है hmm. तो अगर वो आप कर पाओ तो ये भी हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर भी बैठ करके अपनी बुक्स लिखते जा रहे हो oh. अपलोड करते जा रहे हो वहां से रॉयल्टी इनकम आती जा रही है और एक बार रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो गई तो रॉयल्टी की खास बात क्या होती है पैसिव इनकम मतलब एक बार आनी शुरू हो गई

उसके लिए इवेंट तो मैनेज करना ही पड़ेगा करना, तो खुद ही कर लो <laughs> जैसे मेरा जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था फोटोग्राफी में तो सारा कुछ खुद ही मैनेज किया था बट इसके लिए थिंकिंग पता है कैसी चाहिए वैसी नहीं जैसी कि टिपिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों के माइंड को डेवलप किया जाता है वो कैसा होता है एक एक पत्थर पत्थर के जैसा एक पत्थर की मूर्ति के जैसा जिस थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो एक क्ले के जैसा है यू कैन मोल्ड इट इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू एक करियर को देखने का एंगल ये होता है एक होता है पत्थर के जैसा कि यह मूर्ति बन गई ये डिग्री आ गई अब ये मेरा करियर है यही मेरी लाइफ है अब मरते दम तक मुझे यही करना है देन यू गेट इन टू कंफर्ट जोन फिर वहां से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल तो अब ये एक एंगल है करियर को देखने का दैट इज लाइक पत्थर की मूर्ति और एक करियर को देखने का एंगल ये है कि आपके हाथ में क्ले है जैसे चाहे वैसा बना लो मेरी अप्रोच ये है

बट इट तो कहना तो मतलब हाँ आपने आज कहा क्योंकि आप इतनी आ गए बट उस टाइम पे जब आपने अपनी कुछ चीजों को छोड़ा था बीच में जैसे कि उस बारह महीने के कोर्स को छोड़ा था फिर डेढ़ लाख की जॉब को छोड़ा था तो अंदर एक डर तो होता ही होगा कि नेवर क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा ना मुझे किसी ने कहा नहीं छोड़ने के लिए <laughs> देखो बेसिकली क्या होता है ना ये जो अभी आपने कोट यूज किया इट्स इजियर देन डन वॉट इफ इट्स इजियर डन देन सेड सुनने में मुश्किल लग रहा है करने में आसान है क्या हो अगर ऐसा हो तो बट ऐसे हमारा माइंड कभी सोचता नहीं, नहीं सोचता। है <laughs> यही लगता है अगर पलट रहा, रहा, रहा इस पूरे के पूरे माइंडसेट को जो अभी आपका माइंडसेट है या करोड़ों लोगों का माइंडसेट है इंडिया में मैं उसको पूरी तरह से अपसाइड डाउन टर्न कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं इट इज इजियर डन देन सेड सुनने में मुश्किल लग रहा है आपको क्यों लग रहा है क्योंकि माइंड ऐसा है एक fix mindset है ना हमारा भी हमारे फैमिली मेंबर्स का का भी friends का भी फ्रेंड्स पूरी दुनिया में सबका एक fix mindset है कि अरे ये तो करना बहुत मुश्किल है अपने बेस पर कुछ करना तो बहुत मुश्किल है अपने पैशन को फॉलो करना ये सब मूवीज में अच्छा लगता है रियलिटी में ये सब नहीं होता है वॉट तो बेसिकली सुनने में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा बट करने में इतना मुश्किल नहीं है क्यों क्योंकि अभी जिसकी मैंने बात करी उसके और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं क्या क्या yes, होता course, है नॉर्मली yes, yes, yes. अगर आप किसी पब्लिशर के थ्रू जाते हो तो आपको 10 से 12 परसेंट रॉयल्टी मिलती है मैक्सिमम mm -hmm. 15 परसेंट okay. यहां पर अगर आप एमेजोन के थ्रू एक्सक्लूसिवली करते हो mm -hmm. जिसकी मैंने बात करी डायरेक्ट पब्लिशिंग mm -hmm. okay. तो वहां पर आपको सेवेंटी रॉयल्टी मिलती है oh. तो अगर एक ई बुक बिकी मानो पांच डॉलर की तो उसमें सेवेंटी आपका है दैट इज वन टू

person can get who has cracked C N even if in several attempts. So if you have cracked in first attempt, so you would definitely get something around 80 to 90. ठीक है, तो 80-90 per month हो गया हुँ. एक जो package है. Plus year on year increment भी होगा और plus आगे भी एक path होगा जहाँ पर कि growth हो सकती है depending upon your work and everything. हुँ. But हम मान के चलते 80 to 90 का एक package मिल गया हमको.

सो ही क्रैक डिस एग्जाम्स टू ईयर्स अगो वेन आई वॉज अबाउट टू क्लेयर माई ट्वेल्थ सो ही वॉज अर्निंग ग्रेट एट दैट टाइम ऑल्सो मतलब आज से छः साल पहले ही वॉज अर्निंग अराउंड वन टू वन पॉइंट फाइव लैक्स पर मंथ सो आई था हाँ अगर इसमें इतना है तो ग्रोथ तो अच्छी होगी बेसिकली क्या हुआ कि आपके माइंड में एक आइडल थे जिस डायरेक्शन में आपने एफर्ट किया और अब उसको अचीव करने वाले हैं

जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज के टाइम में काफी रेलिवेंट है मतलब कन्वेंशनल जो रूट है कि पब्लिशर्स के पास जाकर के धक्के खाना हाँ। उस पूरे को बाईपास कर दिया एक दिन में अपनी बुक अपलोड करी और मल्टीपल बुक्स अपलोड करी एंड दे आर अर्निंग टेन लाख रुपीज इन अ मंथ ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके आगे है ही नहीं एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं है तो उस डायरेक्शन में जाओगे कैसे ऐसा कोई आइडल माइंड में है ही नहीं नहीं है तो जब सर्च करोगे तो ऐसे आइडल मिलेंगे और ऐसे आइडल होंगे जिन्होंने बुक भी लिख रखी होगी बकायदा बताया होगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने ये कैसे अचीव किया कि एक साल में मैं जीरो डॉलर से टेन थाउजेंड डॉलर तक कैसे पहुंचा वो मेरी पूरी जर्नी है इसके थ्रू तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन क्रैक इट क्योंकि उसके लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं नहीं चाहिए। तो बीच में कोई बैरियर भी नहीं है ऐसा तो नहीं है ना आपने चार साल सीए में लगाए तो अब आपको चार साल के लिए और एक डिग्री चाहिए ये पब्लिश करने के लिए ऐसा तो है ही नहीं नहीं है। कोई भी कर सकता है

Yes. उसमें आपकी एक फोटोग्राफ आ गई नाम आ गया और वो आपने पब्लिश कर दी एंड hmm. वहां पे लिख दिया आपने कि कि प्रोफेशनली सर्टिफाइड दिस 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 खत्म तो इट्स जस्ट एन ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कि उसके थ्रू काफी कुछ स्टार्ट अर्निंग मच मोर देन जहां तक भी आप सोच रहे हो अब प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ऐसा कुछ करने की बात करते हैं ना पैशन तो अब इसमें कोई ऊपर से तो आपको है नहीं बताने वाला hmm. उसमें तो क्या होता है क्लियर पता होता है कि अच्छा एग्जाम आ रहे हैं तो अब मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी इतने टाइम पहले नहीं।, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी तो एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमको कोई है बताने वाला यहाँ पे तो कोई है ही नहीं आपको बताने वाला यहाँ पे तो यू आर योर ओन बॉस तो अब आप काम करोगे क्यों अपने तो वही करेगा जिसके अंदर से ये आ रहा होगा कि मुझे अपने बेस पर कुछ करना है जो इस चीज की इंपॉर्टेंस देख पा रहा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम ऑल डायरेक्शन जब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे डिजाइन करो आई होप यू गॉट दी आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चन बेस्ट थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम थैंक यू